हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स। नेचुरली आप लोग को थोड़ी शिकायत तो होगी कि थोड़ा वीडियो लेट हो गया। एक्चुअली मेरे कोचिंग में प्री बोर्ड टेस्ट एग्ज़ाम चल रहा था, आप ऑफलाइन के लिए मैं थोड़ा बिजी हो गया था, तो थोड़ा सा वीडियो बनाने में डिले हो गया। ऐसा और कोई वजह नहीं था, लेकिन अब आपको कंटिन्यूअस मिलेगा। अभी प्री बोर्ड का टाइम था, कम्प्लीट हो गया, और अब हम कंटिन्यूअस आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। कैलकुलस का इंटीग्रेशन पोर्शन बहुत जल्दी पूरा करेंगे, और आज हम इसके सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आपसे बात करने वाले हैं, और वो है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न के द्वारा समाकलन। और ये आपको एग्ज़ाम में आना ही है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और अब इधर फटाफट अपने को क्लास करना है एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, रिसेंटली आपको ऐसा पढ़ाऊंगा, आपका तैयार हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप कर पाएंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब हिंदी में हम उसको बोलते हैं आंशिक भिन्न। तो यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअल में पार्शियल फ्रैक्शन का सिलेबस पहले 12th क्लास में होता था, बहुत पहले, लेकिन आजकल बहुत से बोर्ड ने, CBSE बोर्ड ने, बहुत से बोर्ड ने पार्शियल फ्रैक्शन का पार्ट ही हटा दिया, इसलिए इंटीग्रेशन में यहाँ पर परेशानी होती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको इंटीग्रेशन करने के पहले आपको पार्शियल फ्रैक्शन समझाऊंगा कि भाई पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न होता क्या है, उसके बाद फिर हम उसकी सहायता से इंटीग्रेशन करेंगे। तो चलिए मैं आपको पहले इसके कॉन्सेप्ट समझा दूँ पार्शियल फ्रैक्शन का। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 1/(x-1) एंड x+2। सपोज ऐसा मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया, एनी वन, कुछ भी। इसमें और भी फैक्टर हो सकते हैं, मैंने एक इजी एग्जांपल लिया मेथड समझाने के लिए। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझो। पार्शियल फ्रैक्शन या आंशिक भिन्न का मतलब होता है ये भिन्न भिन्न को पार्ट पार्ट में तोड़ना। जैसे यहां पर एक है x-1, दूसरा है x+2, और दोनों अभी इंटू के फॉर्म में है। ये इंटू के फॉर्म को प्लस या माइनस दो पार्ट में ब्रेक करना ही क्या कहलाता है, पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। इसमें तीसरा फैक्टर हो सकता है, चौथा हो सकता है, पांचवा हो सकता है, बहुत से फैक्टर हो सकते हैं। तो उसको बनाने का मेथड क्या है, देखो एक समझ में आएगा तो सब समझ में आ जाएगा, बाद में आपको मैं क्वेश्चन की हेल्प से तो समझाऊंगा ही। तो इसमें करते क्या है, जितने फैक्टर्स होते हैं उसके अपान में, जैसे ए एक कॉन्स्टेंट ले लेंगे, x/(a/x-1), बाकी मैं आपको क्वेश्चन के अंदर कराऊंगा ही, तो वहां पर आप समझ जाओगे। तो a/(x-1) और प्लस b/(x+2), ऐसा हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं जितने फैक्टर्स होते हैं। सपोज एक और फैक्टर होता तो c/, और फैक्टर होता तो d/, ऐसा कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं, क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करके a और b का वैल्यू फाइंड करते हैं, और a और b के वैल्यू को यहाँ पर पुट अप कर देंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन हमको ज्ञात हो जाएगा। तो किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए, दैट इम्प्लाइज, अब इसको सॉल्व करने के लिए पूरे रिलेशन में x-1 × x+1 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, पूरा संबंध में इसका गुणा करेंगे। जब इसका हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, और यहाँ पर जब हम इसका गुणा करेंगे तो x-1 कट जाएगा और क्या मिल जाएगा, a(x+2) और प्लस b(, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा x-1, ये मिलेगा, क्लियर। यहाँ तक इतना फाइंड करने के बाद अब हमको क्या करना है, इस रिलेशन में बारी बारी से x का वैल्यू ऐसा रखना है कि एक बार ये फैक्टर 0 हो जाए, एक बार ये फैक्टर 0 हो जाए। तो नेचुरली यहाँ पर देखो, नाउ पुट x=, पहले इसको 0 करता हूँ, x=1, ठीक है। सोचने का तरीका कैसे होगा कि भाई यहाँ पर मैं x का क्या वैल्यू रखूँ कि ये पूरा फैक्टर 0 हो जाए। तो नेचुरली आप देखो, यदि हम x का वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर दें तो 1-1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसके 0 होने से इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो इफ़ x=1 देन, तब क्या हो जाएगा, 1=, बाएं पक्ष में 1 ही रहेगा, और यहाँ पर 1 रखूँगा इसका वैल्यू, तो 2+1 क्या हो जाएगा, 3, तो हो जाएगा 3a,
और प्लस ये तो हो गया जीरो, देयरफॉर यहाँ से ए का वैल्यू निकल जाएगा 1/3, तो ये ए का वैल्यू निकल गया। क्लियर। अब हमको क्या करना है, बी का वैल्यू निकालना है, तो बी का वैल्यू निकालना है तो इसको जीरो करना है। तो नाउ पुट एक्स इक्वल टू, अब हम क्या रखें, अब हम x का वैल्यू क्या रखें कि ये जीरो हो जाए, तो नेचुरली आप देख रहे हो x का वैल्यू -2 रख दें, -2 रखेंगे तो -2 + 2 जीरो हो जाएगा, तो x इक्वल टू -2 ऐसे रखते जाते हैं। इसके और बहुत से मेथड होते हैं, सबसे पहले मैं इजी मेथड आपको समझा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन करते करते आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन एग्जाम में आता ही है। तो x इक्वल टू -2 पुट कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देन 1 इक्वल ये जीरो हो गया, और प्लस यहाँ -2 पुट करेंगे तो देखो -2 -1 -3 हो जाएगा, तो हो जाएगा ये हो जाएगा बी अंडर ब्रैकेट -3, देयरफॉर यहाँ से बी का वैल्यू निकालें तो हो जाएगा -1/3, ये हो गया। अब ए और बी के वैल्यू को हम यहाँ पर पुट अप कर देंगे, ये जो ए और बी हमने सपोज करके रखा है ये और ये, तो ये दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर पुट अप कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा पार्शियल फ्रैक्शन किस फॉर्म में आ जाएगा, देखो ए अपान इतना, तो ए का वैल्यू क्या है 1/3, तो ये हो गया 1/3 एक्स माइनस 1, और बी का वैल्यू आया है -1/3, तो बी का वैल्यू -1/3 और एक्स प्लस 2, ये पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो गया। और समाकलन में हम इसके बाद समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो ये दो फैक्टर में डिवाइड हो गया जो कि मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में था। अब इसको यदि आप साल्व करके एलसीएम निकाल के साल्व करोगे तो यही आ जाएगा। मैं आपको आंसर का चेक करके बता देता हूँ कि किस तरह से हो जाता है। देखो अभी हमने इसको तोड़ के ये बनाया और ये इसके बराबर है, ये आपको चेक करना है, एक तरीका बता रहा हूँ, तो वही आएगा। देखो आप यहाँ पर एलसीएम ले लो, दोनों के एलसीएम लेंगे तो 3x-1 और x+2 इसका एलसीएम आएगा, लघुत्तम आएगा। अब यहाँ डिवाइड करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x+2 और माइनस यहाँ पर 3 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बचेगा x-1, दैट इक्वल इसको सॉल्व करो तो x+2 - x+1/3 x-1 और x+2 दैट इक्वल यहाँ से ये x के साथ कैंसिल 2+1 3 3 3 के साथ कैंसिल तो 1/x-1 और x+2, दिस इज द फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। इस तरह से आप देखो कि हम इस पोर्शन को इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, और इसको हमने चेक कर लिया, देखो वही आ गया आंसर में जो आया उसी को हमने तोड़ा था, ये कहलाता है पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन एक एलजेब्रिक रिलेशन है कि हम उसकी सहायता से जो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, जो गुणा के रूप में है, उसको अलग अलग पार्ट में प्लस या माइनस के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, और उसके बाद हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं। ये मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन बता दिया। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिसको आंशिक भिन्न की सहायता से, पार्शियल फ्रैक्शन की सहायता से हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो वहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक्चुअल में इस पार्ट में समाकलन तो एक लाइन का होगा, समाकलन लास्ट में एक लाइन का होगा, टोटल काम 99% वर्क पार्शियल फ्रैक्शन करना है, और आखिरी में एक लाइन में समाकलन हो जाएगा। दैट मीन्स इसमें समाकलन में प्रॉब्लम नहीं रहता, इसमें प्रॉब्लम है आपको पार्शियल फ्रैक्शन करने में, आंशिक भिन्न को बनाने में। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन लेते हैं अपन और उसको फिर प्रैक्टिस करते हैं। चलिए इसके प्रैक्टिस के लिए हम एक क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x/(x+1) x+2 i = x/(x+1) एक ब्रैकेट में x+1 और दूसरे में x+2 dx, ये हमको समाकलन करना है। तो इसको समाकलन करने से पहले आप समझ गए होंगे कि इसको समाकलन करने से पहले हमको इसका पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ना पड़ेगा। ये जो मैंने रेड इंक से घेरा, इसका हमको सबसे पहले आंशिक भिन्न में तोड़ना पड़ेगा। आंशिक भिन्न में तोड़ने के बाद ही हम उसका समाकलन कर पाएंगे। तो क्या करते हैं, नाउ इसको अलग से ले लेते हैं अपन, x/(x+1) दूसरे ब्रैकेट में x+2, इसको हमने ले लिया, और जैसे अभी मैंने आपको बताया तो
तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं, तो क्या करेंगे अपन, a अपन x प्लस वन और प्लस b अपन x प्लस टू। देखो वहाँ पर यहाँ वन था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, यहाँ का पावर यदि अंश का पावर x का पावर यदि हर के पावर के बराबर हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए, ठीक है, प्रॉपर इन प्रॉपर फ्रैक्शन के कंडीशन में जब आ जाता है क्वेश्चन, तो पहले हम उसको डिवाइड करते हैं। तो मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, वैसा कंडीशन में भी आपको क्वेश्चन बता दूंगा मैं। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, दैट इम्प्लाइज आगे क्या करेंगे, पूरे रिलेशन में इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसका ये मैं आपको बताया था, इसके हर में जो होता है इसका पूरे रिलेशन में गुणा करते हैं। तो चलो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा x इक्वल, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस टू और प्लस ये हो जाएगा b x प्लस वन। क्लियर। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, बारी बारी से इसको पुट अप करना है जैसे मैं आपको बताया था अभी। तो सबसे पहले पुट कर लो, हमको इसको जीरो करना है तो क्या रखेंगे, x इक्वल टू माइनस वन। धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आसान है बहुत। x इक्वल टू माइनस वन रखेंगे, देन अब दोनों पक्षों में जहाँ जहाँ x है माइनस वन रखेंगे, तो यहाँ पर इसके जगह में ही माइनस वन रखेंगे, तो हो जाएगा माइनस वन इक्वल टू a इन टू यहाँ रखेंगे माइनस वन प्लस टू और प्लस b माइनस वन प्लस वन जो कि जीरो हो जाएगा। डायरेक्ट भी लिख सकते थे, देयर फॉर माइनस वन इक्वल ये कितना हो जाएगा a और ये प्लस जीरो, देयर फॉर a इक्वल टू माइनस वन। a का वैल्यू माइनस वन हो गया, a का वैल्यू माइनस वन हो गया। उसी तरह से हम क्या करेंगे, b का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, अगेन इफ x इक्वल, अब हम x इक्वल टू क्या रखते हैं, देखो इसको जीरो करना है तो x इक्वल टू क्या रखेंगे माइनस टू, तो x इक्वल टू हम यहां पर माइनस टू रखेंगे, तो इस साइड में भी क्या हो जाएगा माइनस टू इक्वल टू, अब डायरेक्ट लिखता हूँ ये जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा b माइनस टू, यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो माइनस टू प्लस वन का आएगा माइनस b, ये माइनस b हो गया, देयर फोर बी इक्वल टू हो गया टू, तो b का वैल्यू कितना आ गया टू आ गया। अब a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया, तो हम इसको अब क्या लिख सकते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं देयर फोर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू इक्वल, ए का वैल्यू क्या है माइनस वन, ये हो गया माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन और प्लस बी का वैल्यू टू, तो टू अपॉन एक्स प्लस टू ये हो जाएगा। इसके बाद इसको समाकलन करो, क्योंकि हमने पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ दिया, तो नाउ इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स, ये होगा दैट इक्वल। अब देखो क्या होगा, ये लॉग हो जाएगा, तो माइनस लॉग एक्स प्लस वन और प्लस ये टू बाहर करो, ये भी लॉग हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस टू, इतना इंटीग्रेशन आपको पता है, इंटीग्रेशन तो आप पूरा पीछे पड़ चुके हैं, ये हो जाएगा। अब इसको और आगे आपको सॉल्व करना है, प्लस सी, देयर फॉर लॉग को हम एक साथ लिख लें तो ये इसके स्क्वायर में चला जाएगा, ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, और इस फॉर्म में ना लिखो तो ऊपर में जो आंसर लिखे हूँ उस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। क्लियर, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार बुक से देखें क्या आंसर आया है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, लॉग एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन, इसी फॉर्म में दिया है प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। तो यहाँ पर आप देखो कि हम लोग इंटीग्रेशन, जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने के बाद पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के बाद उसका इंटीग्रेशन एक लाइन का होगा, पूरे क्वेश्चन का आंसर लॉग में आएगा, क्योंकि हमेशा इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के बाद वो उसी फॉर्म में चला आएगा। ओके, क्लियर। देख लीजिए, यहाँ कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए एक आध क्वेश्चन और लेते हैं अपन इस पर, फिर धीरे धीरे आपकी इस पर प्रैक्टिस हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई इक्वल
इंटीग्रेशन ऑफ 1/(x²−9dx) 1/(x²−9dx) देखो ये तो बहुत आसान आपको लग रहा है, बस इस क्वेश्चन में ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, क्या खास बात है, नीचे को फैक्टराइज करना है। प्रैक्टिस के लिए इसको बता देता हूँ मैं आपको, बाकी ये क्वेश्चन बहुत आसान है। तो आगे हम इसको क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व कर लें तो हो जाएगा 1/(x−3) इसको अपन ब्रेक कर लें तो x-3 दूसरे ब्रैकेट में x+3 dx। अब पार्शियल फ्रैक्शन किसका ब्रेक करना है, x-3 और x+3 का। अब लेट (1/(x−3)) and (x+3) इक्वल (a/(x−3)) + (b/(x+3)। ऐसा होगा। नाउ पुट, अब इसमें आप पुट कर दो, नहीं अभी तो आप इसको क्या करो, डिवाइड करो, इसका पूरे में मल्टीप्लाई करो, तो 1 = क्या हो जाएगा, (a)(x+3) + (b)(x−3). नाउ पुट, अब यहाँ पर हम पुट कर देते हैं x = 3 पुट कर देते हैं, पहले x = 3 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 = यहाँ 3+3 = 6 हो जाएगा, ये होगा 6a, therefore a = 1/6 ये निकल जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, पुट x = अब समझ गए हो कि बहुत आसान है, x = -3 पुट कर लेते हैं, x = -3 तो 1 = ये 0 हो गया, -3 पुट करेंगे तो आएगा -6b, therefore b = -1/6 therefore। अब हमारा ये जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में आएगा, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो किस तरह से आएगा देखो, अब यहाँ पर आप देखो इसके वैल्यू के यहाँ पर पुट अप कर देते हैं अपन, चलिए इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट अप करें तो क्या होगा, इस फॉर्म में मैं लिखता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन को, तो ये हो जाएगा 1/(x²−9)) इसके इक्वल ये है तो डायरेक्ट अपन लिखेंगे a का वैल्यू 1/6, तो ये हो जाएगा 1/(6)(x−3) और -(1/6)(x+3), ये a और b का वैल्यू अपन पुट अप कर दिया। तो ये जो वैल्यू था, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें ना, ये जो वैल्यू था उसको हम इस फॉर्म में लिखें और इस वैल्यू को हम इस फॉर्म में लिखें, बाद में ए और बी का वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर दिए, तो नाउ इंटीग्रेट, इस तरह से यदि हम इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेशन करने पर क्या हो जाएगा, (1/(x²−9)) dx = अलग अलग इंटीग्रेशन कर देता हूँ मैं इसका, 1/(x−3)dx - (1/(6)(1/(x+3)dx दैट इक्वल, अब इसका इंटीग्रेशन होगा तो 1/(6) को तो मैं ओवरऑल कॉमन ही कर देता हूँ इसमें, इसको अंदर करने की जरूरत नहीं है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा (log(x−3) और माइनस ये हो जाएगा (log(x+3)+c दैट इक्वल 1/6, लॉग को एक साथ कंबाइन कर दें, m-n, log m-log n क्या होता है, log m/n, तो हो जाएगा (log(x−3)(x+3)+c दिस इज द फाइनल आंसर, ये हो जाएगा इसका वैल्यू। क्लियर, देखिए (1/6)(log(x−3)(x+3)
तो कुल मिला के आप ये दो क्वेश्चन से समझ गए होंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम हमारा क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ना। ये यदि पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न में आपने क्वेश्चन को ब्रेक कर लिया तो उसके बाद एक ही लाइन में क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है। ओके, चलिए एक आध दो क्वेश्चन आपको और करा दें, उसके बाद मैं आपको इसको दो पार्ट में इसको आपको प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ अच्छे क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा, अभी मैं कुछ सिंपल क्वेश्चन पहले पार्ट में पार्शियल फ्रैक्शन को दो पार्ट में कराऊंगा ताकि आपकी पर्याप्त प्रैक्टिस हो जाए, और दूसरे पार्ट में मैं इसके कुछ डिफिकल्ट स्टैंडर्ड के क्वेश्चन लेके आऊँगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। बस आपसे पार्शियल फ्रैक्शन टूटना चाहिए, बाकी इसमें क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल एक जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्री पार्ट में ले लें, बनेगा सब वैसे ही आपका। एक्स अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री आई इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री डी एक्स, सपोज ये लेते हैं। ये आपके लिए थोड़ा नयापन है इसमें कि तीन पार्ट हैं, ठीक है। आपने दो को कैसे ब्रेक किया, अब तीन को कैसे ब्रेक करते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, प्रोसेस तो पूरा वही रिपीट करेंगे। लेट मान लेंगे अपन एक्स अपन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू प्लस सी अपॉन एक्स माइनस थ्री, ये सबसे पहले लिख लोगे। मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में जितने फैक्टर होंगे उतने ही आपको पार्ट में तोड़ना है, ए बी सी डी ऐसा चलेगा वो। अब हम क्या करेंगे, पूरा इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इन टू, अब ये x माइनस वन कैंसल आउट होगा और बचेगा x माइनस टू एक्स माइनस थ्री, क्लियर, प्लस b, अब ये कैंसल आउट होगा तो हो जाएगा x माइनस वन एक्स माइनस थ्री और प्लस c, c के साथ हो जाएगा x माइनस वन एक्स माइनस टू, ये तीन फैक्टर हो गए। अब हमको इसको बारी बारी से जीरो करना है, तो सबसे पहले क्या क्या करते जाते हैं देखो। पहला लेट एक्स इक्वल, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा ना, सबसे पहले हम इसको जीरो करना चाहते हैं सिक्स को, तो इसको जीरो करने के लिए एक्स इक्वल टू वन भी रख सकते हैं, टू भी रख सकते हैं, दोनों रख सकते हैं। तो एक्स इक्वल टू वन रख दिया, देन अब ध्यान देना मैं यहाँ अंडरलाइन कर देता हूँ, उसमें यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा एक्स माइनस वन और ये भी जीरो हो जाएगा, दोनों जीरो हो जाएंगे और हमको ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो देन लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे तो वन इक्वल टू यहाँ पर वन रखेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस वन, यहाँ वन रखेंगे माइनस टू, माइनस वन इंटू माइनस टू क्या हो जाएगा, प्लस टू हो जाएगा, तो ये हो गया टू ए, देयर फोर ए इक्वल टू वन बाई टू, यहीं पर इसको मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं आपको, एक्स इक्वल टू अब क्या रखें, इसको जीरो करना चाहते हैं तो एक्स इक्वल टू थ्री रख देंगे, जैसे एक्स इक्वल टू थ्री रखेंगे क्या होगा देखो, देन इस साइड में भी लेफ्ट हैंड साइड में थ्री होगा, इस x के जगह में 3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और c का वैल्यू निकल जाएगा, क्या होगा c का वैल्यू 3 माइनस वन टू होगा और 3 माइनस टू वन होगा, 3 माइनस वन टू टू इंटू वन टू, तो यहाँ पर हो जाएगा 2c, therefore c इक्वल टू 3 बाई टू, ये c का वैल्यू हो गया। नाउ x इक्वल टू, बहुत आसान काम है, एक बार आपको पैटर्न को पकड़ना है। अब हम x इक्वल टू क्या रखें, इसको जीरो करना है तो x इक्वल टू टू रख देते हैं, x इक्वल टू टू, देन उस कंडीशन में आप देखो जब x इक्वल टू टू रखोगे ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, b का वैल्यू निकलेगा, तो किस तरह से उसका वैल्यू हो जाएगा, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड में क्या रखा, टू, टू इक्वल टू ये जीरो हो गया ये जीरो हो गया, यहाँ पर टू रखा टू माइनस वन वन हो गया और टू माइनस थ्री माइनस वन होगा, तो माइनस बी हो गया माइनस बी, देयरफॉर बी का वैल्यू निगेटिव में आ गया माइनस टू माइनस टू, ये ए बी सी के वैल्यू हमको निकल गए। देयरफॉर अब इसके बाद क्वेश्चन को लिख दो, देयरफॉर एक्स अपॉन एक्स देयरफॉर एक्स
एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री इक्वल, इस साइड में लिख रहा हूं मैं, ए अपॉन एक्स माइनस वन, ए का वैल्यू वन अपॉन टू, तो हो जाएगा वन अपॉन टू एक्स माइनस वन, बी का वैल्यू थ्री बाई टू, तो प्लस ये हो गया थ्री बाई टू एक्स माइनस टू, और माइनस, अरे सॉरी, बी का वैल्यू तो माइनस टू है, सॉरी बी का वैल्यू माइनस टू है, माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू, और प्लस सी का वैल्यू थ्री अपॉन टू, ये हो जाएगा थ्री बाई टू एक्स माइनस थ्री, ये हो जाएगा। अब इसको समाकलन करो, नाउ इंटीग्रेट इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ ये पूरा, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप लोग समझ जाओगे, मैं डायरेक्ट करके उसको लिख दे रहा हूं, इंटीग्रेट करके ही लिख दे रहा हूं मैं उसको। अब तो बहुत सारा टॉपिक हो गया, आप समझ जाओगे, कुछ नहीं रखा है, एक्स माइनस थ्री, चलो देखो इक्वल इंटीग्रेशन कर रहा हूं, ध्यान देना, वन अपॉइंट टू लाग एक्स माइनस वन अपॉइंट टू लाग एक्स माइनस वन, माइनस टू लाग एक्स माइनस टू, प्लस थ्री बाई टू लाग एक्स माइनस थ्री प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। कुछ नहीं रखा है इसमें, पार्शियल फ्रैक्शन के बाद समाकलन एक लाइन का है, सब में लाग लाग लगा के आपको लिख देना है, क्लियर। तो ये बन जाएगा, एक बार अपन आंसर टेली कर लेते हैं इसका, वन अपॉइंट टू लाग एक्स माइनस वन, माइनस टू लाग एक्स माइनस टू, प्लस थ्री बाई टू लाग एक्स माइनस थ्री सी, ओके। तो ऐसा बनेगा, कुल मिला के आपको पार्शियल फ्रैक्शन प्रॉपर तोड़ना है। एक क्वेश्चन मैं आप और बता दूँ, इसके बाद मैं इसके सेकेंड पार्ट में भी पार्शियल फ्रैक्शन के ही क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दूं तो आपको अच्छे से कर पाओगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बुक से पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास आएगा वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडसा समाकलन, जो कि समाकलन के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में अपन एंट्री करेंगे। आपको मैथमेटिक्स का वीडियो अब रेगुलर मिलेगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, नेचुरली आप लोग को शिकायत होती है मुझसे, लेकिन मेरी भी मजबूरियाँ लिमिटेशंस हैं, क्या करोगे, है ना। तभी मैं कंटिन्यूस करूँगा, बाकी मैं तो चाहता हूँ कि रेगुलर आप लोग के लिए मैं कर सकूँ, कभी कभी कुछ व्यस्तता ज़्यादा ही हो जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरह का क्वेश्चन ले अपन, एक्स स्क्वायर अपॉन को डिवाइड करने वाले, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, आई इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स डीएक्स, देखो इस तरह से माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। अब इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो जैसा मैंने पहले डिस्कस किया था आपसे कि न्यूमरेटर में अंश में एक्स का पावर और हर में एक्स का पावर यदि इक्वल हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में सबसे पहले हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करने का वर्क हम रफ वर्क में भी कर सकते हैं, उसको सो करने की जरूरत नहीं है, आप रफ वर्क में करके डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ डिवाइड करें तो किसमें डिवाइड करेंगे अपन, एक्स स्क्वायर प्लस वन में डिविजन करना है अपने को, किसका, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, इस तरह का क्वेश्चन मैंने पीछे बताया था। अब इसको कैंसिल आउट कराना है तो क्या हो जाएगा, वन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, माइनस प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा क्या, प्लस, ये हो गया फाइव एक्स और ये माइनस सिक्स प्लस वन, मतलब हो जाएगा माइनस फाइव। अब इसके बाद डिवाइड नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अब इसका पावर इसके पावर से कम हो गया, ठीक है, सही किया है ना।
प्लस फाइव एक्स और माइनस सिक्स प्लस वन माइनस फाइव। ओके, तो डिवीजन के बाद हम क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं, देखो डिवीजन के बाद हम क्वेश्चन को अब लिख सकते हैं दैट इक्वल कंप्लीट डिवीजन हुआ है वन और इसके बाद प्लस वन प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव अपन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स डी एक्स। ये हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में चला आएगा, ठीक है। ये मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखो इस क्वेश्चन को हमको करना क्या है, अब इस क्वेश्चन में हमको इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है इसका, तो इसको हम रिलेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, बाद में यहां पर हमको पुट करना पड़ेगा इंटीग्रेशन के लिए, और ये जो मैंने राउंड किया है उसका अलग से हम आंशिक भिन्न निकाल लेते हैं। तो लेट, अब मान लेते हैं पहले उसको भी अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, अभी लेट नहीं, इसको हमको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, देखो फाइव एक्स माइनस फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल, इसको हम यदि सॉल्व करें तो फाइव एक्स माइनस फाइव अपॉन, इसको हमको फैक्टराइज करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम इसको दो फैक्टर में नहीं लिख लेंगे तब तक ए अपॉन बी अपॉन नहीं लिख सकते। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो किस तरह से फैक्टराइज करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स। इस तरह से मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे, मध्य पद को तोड़ लेंगे, जैसे वर्ग समीकरण में तोड़ते हैं आपको मालूम है ये सब। दैट इक्वल आगे हो जाएगा ये फाइव एक्स माइनस फाइव अपान, इन दोनों का पेयर करके एक्स को कॉमन कर लें तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस थ्री, यहाँ से माइनस टू कॉमन कर लें तो हो जाएगा एक्स माइनस थ्री। ओके, अब आगे हमारा क्या हो जाएगा, देखो दैट इक्वल ये हो जाएगा फाइव एक्स माइनस फाइव अपान एक ब्रैकेट में एक्स माइनस थ्री और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस टू, ये हो गया। तो इसको हमने उस फॉर्म में तोड़ लिया, अब हम इसको क्या करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, क्योंकि दो फैक्टर में अपने को मिल गया। तो दैट इक्वल यहीं से अपन सपोज कर लेते हैं ए अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू, ऐसा कर लिया, बाकी प्रोसेस पीछे जैसे। दैट इम्प्लाइज इसका पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा फाइव एक्स माइनस फाइव इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू एक्स माइनस थ्री, ये होगा। अब यहाँ पर देखो बारी बारी से अपन इसके वैल्यू पुट अप करते हैं जैसा करते थे अपन। तो सबसे पहले नाउ पुट एक्स इक्वल टू, इसको हमको जीरो करना है, तो एक्स इक्वल टू क्या पुट कर लेते हैं थ्री, एक्स इक्वल टू थ्री पुट करेंगे, देन उस कंडीशन में इधर भी थ्री पुट करोगे तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, पाँच या पंद्रह है ना, फाइव से जब फिफ्टीन, फिफ्टीन माइनस फाइव तो कितना हो जाएगा टेन, ये हो गया टेन इक्वल टू ए, और इसको भी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ थ्री पुट करोगे आप तो थ्री माइनस टू वन होगा, तो ए इक्वल टू टेन हो गया, मतलब ए का वैल्यू कितना निकल गया टेन निकल गया। अगेन एक्स इक्वल टू, अब हमको इसको जीरो करना है तो टू पुट करते हैं, तो एक्स इक्वल टू टू, देन यहाँ टू पुट करें तो फाइव टू जा टेन माइनस फाइव कितना हो जाएगा फाइव हो जाएगा ये, तो फाइव इक्वल यहाँ टू पुट करेंगे ये जीरो हो जाएगा, टू माइनस थ्री वन होगा, तो हो गया बी, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा फाइव हो जाएगा, तो टेन इक्वल टू ए और फाइव इक्वल टू बी, इस तरह से। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट अप कर दें तो पूरा पार्शियल फ्रैक्शन को मैं अब डायरेक्ट क्वेश्चन को अपने क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रहा हूँ, देखो देयरफॉर, अब इंटीग्रेशन को हम पूरा पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि इसका हमने वैल्यू उस फॉर्म में निकाल लिया है। तो क्या हो जाएगा, आई ही लिख देते हैं इसको अपन, देयरफॉर आई इक्वल टू, आई इक्वल टू पूरा क्वेश्चन एक बार कॉपी कर देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ ये ना वन प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव अपान ये डी एक्स पूरा में रहेगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इसका होल इंटीग्रेशन इक्वल, तो पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको मैं कंप्लीट लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ फाइव एक्स माइनस फाइव का वैल्यू हमने निकाल लिया ये यहाँ से, ए और बी का वैल्यू पुट अप करके, तो
ए और बी का वैल्यू हम यहाँ पर पुट अप कर देंगे, देखिए कहाँ पर, यहाँ पर पुट अप कर देंगे। तो ए का वैल्यू क्या है 10, तो 10 अपॉन एक्स माइनस 3 हो जाएगा, 10 अपॉन एक्स माइनस 3 डी एक्स, और प्लस बी का वैल्यू 5, तो हो जाएगा 5 अपॉन एक्स माइनस 2 डी एक्स। चाहो तो एक आध दो लाइन आप लोग एक्स्ट्रा लिख सकते हो और एक्सप्लेन करने के लिए, बाकी आप समझ गए ना कहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ, इसका वैल्यू यहाँ पर, और उसको इंटीग्रेट भी कर रहा हूँ साथ में। लिखने के तरीके को थोड़ा देख लेना, दैट इक्वल वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस ये हो जाएगा 10 प्लस 10 log x माइनस 3 और प्लस 5 log x माइनस 2 प्लस c। ये 5 है ना, 5 log, ये आंसर होगा, दिस इज द फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर है आई का वैल्यू। एक्स प्लस 10 लाग एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 5 लाग एक्स माइनस 2 प्लस 10 लाग एक्स माइनस 3। माइनस 5 कहीं पर वैल्यू माइनस आया है क्या आंसर में, कैसे यहाँ माइनस दिया हुआ है? ये तो ठीक है 10 लाग, ये तो ठीक है, माइनस 5 एक्स माइनस 5, एक मिनट चेक कर लें, 5 एक्स माइनस 5 ए इंटू इतना। अच्छा यहाँ पर x का वैल्यू जब 2 रखा हमें, तो 2 रखा है तो 0 हो गया, 2 माइनस, ओ यहाँ पर मिस्टेक कर दिया था मैं साइन में। x इक्वल टू 2 जब यहाँ रखेंगे तो 2 माइनस 3 माइनस 1 होगा, तो इसका वैल्यू ये माइनस 5 होगा, ये माइनस 5 होगा तो यहाँ प्लस नहीं होगा फिर, है ना, तभी वो बार बार मिस प्रिंट हो रहा था, है ये माइनस होगा, सॉरी। ये माइनस, अब आंसर ये आंसर, ये माइनस हमने लिखना भूल गया था यहाँ से। ओके तो ये हो गए हमारे पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराया, एक पार्ट में और आपको पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इनिशियली आपको यहाँ पर बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, और मेरा आपको सजेशन है कि पार्शियल फ्रैक्शन की आप प्रैक्टिस कीजिए, तो अलग से करने की जरूरत नहीं, आप सीधा क्वेश्चन में करो। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं कुछ डिफरेंट टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन लाऊंगा जो कुछ अलग ढंग से टूटते हैं, आज मैंने बताया वो एक पैटर्न का है, जिसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और फटाफट मैं आपको फिर रेगुलर वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ओके थैंक यू।